नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। एक महिला की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके परिजन दर दर भटक रहे हैं। मामला है धनबाद के कतरास थाना अंतर्गत तिलाटाड महतो टोला का, जहां करीब 2 महीने पहले किसी बात को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि एक पक्ष के लोगों ने अपने कुछ रिश्तेदारों को खबर कर दी। इसके बाद उस पड़ोसी ने अपने उन रिश्तेदारों के साथ मिलकर पहले तो अपने विरोधी की बेरहमी से पिटाई की और फिर उनके परिवार की एक बुजुर्ग महिला को गाड़ी से कुचलकर मौत दे दी। इस पर पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ थाने में भी मामला दर्ज करवाया, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ऊपर से आरोपियों की ओर से पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। 9/6/2021 को मेरा गोतिया का श्रद्धा क्रम हो रहा था। उस श्रद्धा क्रम में मेरा गोतिया लोग यहाँ सदियों से होते, यहाँ पीपल के पेड़ के पास श्रद्धा क्रम वहाँ ने करके मेरे छोटे भाई नौ निर्मित घर के सामने बोला यहीं करेंगे। हम लोग मना करने के बाद उन लोग हम लोग को मारपीट करने लगा और मारपीट करने के उपरांत में उन लोग सब मारपीट करने के बाद चल गया थाना और थाना से आने के बाद उन लोग हम लोग सभी को मारपीट करने लगा और मारपीट जब किया उसी बीच में सुनील महतो अपना ससुर उमाचरण महतो बुलाया। 3 स्टाफ के उन लोग आए और अन्य मोटरसाइकिल में भी आए और आने के बाद मेरी माँ को सुनील महतो, माधु महतो, अग्नु महतो, मनीष महतो, उमाचरण महतो, महेंद्र महतो सभी ने मेरी माँ को पूरा मारने लगे। मारने के बाद वो घर से घिसीट कर बाहर निकाला, मेरे माँ को वहाँ पूरा मारने लगा। मारने के बाद मेरी माँ पूरा मृत हो गई। मृत होने के बाद मेरी माँ को जब उन लोग जाने क्रम में मेरी माँ को उमाचरण महतो ने महेंद्र महतो बोला कि स्कॉर्पियो उसको मिला को चढ़ा दो, चढ़ा के चले गए। अभी तक ले हमने सभी जगह लिखी दिए हैं, वहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री दिए हैं, DGP को दिए हैं, बड़े पुलिस अधिकारी को दिए हैं। या निरीक्षण में आए हुए थे? निरीक्षण में DSP साहब आए हुए थे। हमारी माँ की मृत्यु के 2 दिन उनको बोले तो बोले ठीक है हम देखते हैं। कितना दिन हो गया घटना घटी? माँ को लगभग 2 माह हो गया। अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उन लोग सब घूम रहे हैं और हम लोग दहशत में पहले धमकी दे रहे हैं। क्या कुछ बोला जा रहा है? केस उठाने के संदर्भ में लोग बोल रहे हैं। वहीं पुलिस आरोपियों को तलाश करने की बात तो कह रही है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रही है। उधर पीड़ित परिवार दबंगों की धमकी के चलते खौफ के साए में जीने को मजबूर है। एराइज न्यूज के लिए कतरास से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।